السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأجمعين عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما फिर आ गया अशरए मुहर्रम हुसैन फिर याद आ रहे हैं जो उन पे कुर्बान हैं जान और दिल से फिर उन पे आंसू बहा रहे हैं ये किसका मुंह है जो पाकी बयां करे उनकी के मद्दे पाक में काफ़ी है आयत तथहीर बिनत अहमद के लालों पे लाखों सलाम यानि शब्बीर और शब्बर पे लाखों सलाम शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा कायद अहल सुन्नत फ़ख्र दक्कन हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद औलिया हुसैनी क़ादरी अलमारूफ़ मुर्तज़ा पाशा साहब क़िबला बानी व सदर सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया व मजलिस अबनाए इस्लाम वाइज़ मक्का मस्जिद नबी रज़ा शेखुल इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती सैयद मोहम्मद अली हुसैनी क़ादरी अलमारूफ़ अली पाशा साहब क़िबला उस्ताद मोहतरम फ़ख्र बारकस शेख अहमद बावज़ीर साहब दीगर मशाक़ीन इज़ाम व उलमाए कराम व नाज़रीन जलसा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया उसमें अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि आप कुछ उजरत तलब नहीं करते सिवाय अपने क़राबतदारों की मोहब्बत के। इस आयत करीमा पर रसूलुल्लाह सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन क़राबतदार है जिनकी मोहब्बत हम पर कुरान मजीद से फ़र्ज कर दी गई, क्योंकि इस आयत करीमा के नाजिल होने से पहले मोमिन पर कलमा नमाज रोज़ा साहिब इस्तेआत वालों के लिए ज़कात और हज फ़र्ज थी, लेकिन मोमिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों की मोहब्बत भी फ़र्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी क़राबतदार मेरी अहले बैत है, वो है मौला अली मुश्किल कुशा सैयद कायनात इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अगर अब कोई शख्स अपने आप को मोमिन कहता है और इन चारों से मोहब्बत नहीं करता तो गोया कि उसने फ़र्ज काम को छोड़ा। ये था कुरान मजीद का हुक्म। अब देखते हैं हदीस पाक में क्या आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ, मेरी मोहब्बत और उनका अदब, मेरी अहले बैत की मोहब्बत और अदब, आए कुरान की तिलावत। और आज हम अपने बच्चों को कुरान की तिलावत तो सिखा रहे हैं लेकिन अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं सिखा रहे हैं। आज हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों के दिलों में रसूल और आर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें। अब देखते हैं कि इस हुक्म पर सहाबा ने किस तरह अमल किया। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मदीने मुनव्वरा में दोनों शहजादों को अपने कंधे पर बिठा कर सवार करने लगे। एक सहाबी ने देखा तो शहजादों से अर्ज़ किया कि ऐ शहजादों क्या सवारी पाई है आपने, खलीफत रसूलुल्लाह है, अमीरुल मोमिनीन है और आपको अपने कंधे पर बिठा कर सवार कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ऐ सहाबी सवार भी तो देखो कितने प्यारे हैं, ये सवार तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। मैंने एक दिन देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह दोनों शहजादों को कंधे पर बिठा कर सवार कर रहे थे। मैंने भी कहा कि ऐ शहजादो क्या सवारी पाई है आपने, सैयद आलम हैं, रहमतुल्लिल आलमीन हैं और आपको अपने दोश अक़दस पर बिठा कर सवार कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोककर कहा कि ऐ अबू बकर सवार भी तो देखो कितने प्यारे हैं। ऐ सहाबी उल्टा मैंने आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया है। अब देखते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल क्या था। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे साहबजादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खेल रहे थे और खेल खेल में
दो नन्हे शहजादों के बीच में बहस हो गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अब्दुर्रहमान, तुम मेरे ग़ुलाम हो और तुम्हारे बाबा मेरे नाना के ग़ुलाम हैं। इस पर हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ गया और आप अपने बाबा जान के पास जाकर कहने लगे कि बाबा, आज हुसैन ने मुझे अपना ग़ुलाम कहा और आपको अपने नाना का ग़ुलाम कहा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, क्या हुसैन ने मुझे ऐसा कहा? तो आप फरमाते हैं, हाँ हुसैन ने मुझे ऐसा ही कहा। फिर आप फरमाते हैं, अच्छा ठीक है, चलो हुसैन से मिलकर आते हैं। जब आप दोनों मौला अली मुश्किल कुशा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा दरवाज़ा खुलकर आपका इस्तकबाल करते हैं और पूछते हैं कि ए उमर, बताओ कैसे आना हुआ, क्या काम है? उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आपको कहते हैं कि ए अली, मुझे आपसे काम नहीं है, मुझे हुसैन से काम है, ज़रा हुसैन को तो बुलाना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ आते हैं तो इमाम उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कि हुसैन, आपने मुझे अपने नाना का ग़ुलाम कहा? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाँ मैंने ऐसा ही कहा और मैं अब भी आपके सामने कहता हूँ कि आप मेरे नाना के ग़ुलाम हैं। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या आप मुझे लिख कर दे सकते हैं? तो आपने कहा, हाँ जब मैं ये कह सकता हूँ तो मैं ये लिख कर भी दे सकता हूँ। और आपने एक छोटे कागज़ या पर्ची पर ये लिखा कि उमर मेरे नाना के ग़ुलाम हैं। और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस पर्ची को अपने हाथ में लिया, उस पर्ची को चूमने लगे और उसे अपने आँखों से लगाकर खुशी में झूमने लगे, एक वजदानी कैफियत में आ गए और अपने साहबजादे से कहने लगे कि बेटे चलो, अपना काम तो हो गया। बेटे ने सवाल किया, बाबा अपना क्या काम हो गया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं कि जब मैं कब्र में जाऊंगा और फरिश्ते मुझसे पूछेंगे कि ए उमर बताओ क्या लाए हो, तो मैं उन्हें ये कहूंगा कि हुसैन ने मुझे लिख कर दिया है कि मैं उनके नाना का ग़ुलाम हूँ, ये देखो मेरे पास तो सनद है। क़द्र वाले जानते हैं क़द्र व शान अहले बैत, और आज कुछ ना समझ बेदीनी हमसे सवाल करते हैं कि गमे हुसैन क्यों मनाना चाहिए? किसी के इंतकाल के बाद 3 दिन से ज़्यादा उसका गम नहीं मनाना है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होकर 1400 बरस हो गए और आज भी गमे हुसैन पर आंसू क्यों बहाना चाहिए? तो मैं उनके सामने एक वाक़या रखना चाहता हूँ जिससे उनके सवाल का जवाब मिलेगा। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में जलवा फरमा थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेल रहे थे। एक रिवायत में आता है कि जिब्रील अमी आते हैं और एक रिवायत में आता है कि वो फरिश्ता जो कभी रूह ज़मीन पर नहीं उतरा, वो अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबोसी के लिए उतरता है। जब उस फरिश्ते ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। उस फरिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, आपको इस शहज़ादे से मोहब्बत है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मुझे हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। फिर इस फरिश्ते ने सवाल किया कि अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, आपके इस शहज़ादे को, आपके इस लख्ते जिगर को आपकी उम्मत अनकरीब शहीद करेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि क्या मेरी उम्मत मेरे हुसैन को शहीद करेगी? उस फरिश्ते ने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस शहज़ादे को शहीद करेगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वहाँ का मंजर पेश करूँ जहाँ हुसैन शहीद होने वाले हैं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करबला का मंजर पेश किया गया। फिर वो फरिश्ता अर्ज़ करता है कि या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वहाँ की मिट्टी पेश करूँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करबला की मिट्टी पेश की गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला की मिट्टी को अपने हाथ में लेते हैं और उसे सूंघते हैं और इस मिट्टी को हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले करते हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली कि हुसैन शहीद होने वाले हैं तो आप पर गम का पहाड़ टूटा और आप आपदीदा हो गए और आपके आँखों से आंसू नहीं रुके और आप रोते हुए फरमाए कि खबरदार, इसकी खबर फातिमा को नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बात रुकने वाली नहीं थी और रुकी नहीं। जब मालकनीय दो जहाँ को ये बात पता चली तो
तो आप दौड़ती हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पहुंची और अर्ज करने लगी कि बाबा, आपकी उम्मत मेरे हुसैन को शहीद करेगी। रसूल पाक पर उस वक्त क्या बीती होगी कि एक माँ अपने मासूम से बेटे को देखती हुई पूछती है कि बाबा, आपकी उम्मत मेरे हुसैन को शहीद करेगी। रसूल पाक को उस वक्त हिचकी बंद आई और आप रोते हुए भरी आवाज़ में फरमाएं, हाँ फातिमा, हुसैन को मेरी उम्मत शहीद करेगी, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब ना मैं रहूँगा, ना अली रहेंगे, ना तुम रहोगे और ना हसन रहेंगे। ये उस वक्त की बात है। कुछ देर बाद तमाम खान वैद रसूल के बात पता चली तो आप सब मिलकर गमे हुसैन पर आंसू बहाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पहुँचे और सब ने बैठ कर गमे हुसैन पर आंसू बहाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमे हुसैन पर इस तरह आंसू बहाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। तो मैं आज उन सब के सामने सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा शहीद है जिसकी शहादत से 50 बरस पहले उसका गम मनाया गया हो, या कोई ऐसा शहीद है जिसकी शहादत से पहले उसका गम मनाया गया हो। इस्लाम की तारीख में शहीद तो बहुत है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा शहीद नहीं जिसकी शहादत से 50 बरस पहले उसका गम मनाया गया हो। तो फिर आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? इस पर सईदी शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खलीक इस वाक़े के कब्ल रोते थे रसूलुल्लाह, खलीक इस वाक़े के कब्ल रोते थे रसूलुल्लाह, उन्हीं की पैरवी में हम भी अब आंसू बहाते हैं। गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे, यही वो गम है जो हर गम से बेनियाज करे। और इन चंद कलिमातों के साथ आपसे रुख्सत चाहता हूँ। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ المبين غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے यही वो गम है जो हर गम से बेनियाज करे। मैं इल्तमास करता हूँ सैयदी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद जाफ़र हुसैनी कादरी अलमारूफ़ सादिक पाशा साहेब क़िबला से कि वो बारगाह इमाम अली मकाम में नजरान अकीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमाए। सलामु अलैकुम।